हेलो फ्रेंड्स, जब भी युवाओं में स्ट्रेस की या तनाव की बात होती है तो हम समझ लेते हैं युवाओं में स्ट्रेस क्या आएगा। ये तो भाई बढ़ती उम्र का है, ताज़ा खून है, इनमें तनाव आना तो असंभाविक है एक चीज़। और दूसरा हमें लगता है बच्चों में स्ट्रेस आ रहा है मतलब पेरेंट्स जवाबदार है, पेरेंट्स उनको बहुत पैसा दे देते हैं और उनसे ठीक से बात नहीं करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पक्ष रहते हैं जिस पे हम समझ नहीं पाते हैं और उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। चलिए आज उन्हीं पक्षों पर हम बात करते हैं जिस पर हमारा फोकस बहुत कम हो चुका है। मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज बढ़ते हुए भौतिकवाद में युवाओं में किन बातों पे तनाव रहता है, ये तनाव कितना छुपा रहता है, इसकी जानकारी देती हूँ ताकि आप अपने इस आने वाली नई जनरेशन के तनाव को पहचाने और उस पर हम सब मिलके काम करें। तो हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझ लेते हैं युवाओं में तनाव बढ़ गया है और बहुत बढ़ने भी वाला है, स्ट्रेस बहुत बढ़ने वाला है। और स्ट्रेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली डिप्रेशन, सुसाइड जैसी चीज़ें और दूसरी चीज़ें, मेंटल इश्यू, एंजाइटी, पैनिक अटैक बढ़ने ही वाला है। युवाओं में तनाव होता है जो दिखता नहीं है और हमें इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके कारण मैं बताना चाहती हूँ। नंबर एक होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस। यस, नीट में अच्छी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाना, पढ़ाई अच्छी होना, करियर अच्छा होना बच्चों को बड़ा तनाव देता है। भले ही बच्चे बोल नहीं रहे हैं, भले ही हो सकता है आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत तनाव बना है कि मेरा करियर का क्या होगा, मैं पढ़ाई कितना करना चाहिए, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा होता है जो हम भूल जाते हैं, वो है बुलिंग। अगर आपके बच्चे को कोई बुली कर रहा है तो उसका स्ट्रेस उनको लंबे समय तक होता है और ये भी पेरेंट्स बहुत भूल जाते हैं। इस पे ज़रूर आपने बुलिंग क्या होता है, स्कूल में, कॉलेज में बच्चों से कैसा मिसबिहेव होता है, इस पे ज़रूर आपने ध्यान देना चाहिए। तीसरा होता है बॉडी इमेज। जब भी युवा बड़ा होता है शरीर में बहुत सारे हार्मोनल्स बदलाव होते हैं और ये बॉडी इमेज भी उन्हें डिप्रेशन दे देती है। बहुत बार बदलाव ज़्यादा नहीं हो पाते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा भी उनका अगर ग्रोथ होता है, बच्चों को छुपा हुआ तनाव रहता है। कुछ बच्चे बहुत दुबले रह जाते हैं जिनकी ग्रोथ कम होती है और कुछ बच्चे काफ़ी मोटे हो जाते हैं। ये तनाव आप और उन्हें बता बता के कि आपका दुबलापना अच्छा नहीं है या आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बच्चों को सोसाइटी भी बहुत तनाव देती रहती है। इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर होता है वो फैमिली इशू। जब भी फैमिली की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि पेरेंट्स बच्चों के साथ बराबर समय नहीं दे पा रहे हैं तो इसकी वजह से तनाव हो रहा है। डेफिनेटली ये तो समय नहीं देना तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। होता क्या है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, माँ बाप दोनों कमाने में बिजी रहते हैं, घर आते हैं थक जाते हैं, माँ बाप भी अपना मोबाइल चेक करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर बिजी हो जाते हैं, रेस्ट करते हैं और इस दौरान बच्चे भी अपने अपने काम में बिजी होते हैं। और जब बच्चों के पास समय है तो पेरेंट्स के पास समय नहीं है और जब पेरेंट्स के पास समय है तो बच्चे दूर भाग जाते हैं। ये आज की ज़िंदगी की कड़वाहट है, सत्य है, जिसे दूर करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शाम को खाना खाओ बैठ के, साथ में घूमने जाओ, गेम्स खेलो, बहुत सारे तरीके रहते हैं। साथ में फैमिली के एक्सपेक्टेशन बहुत रहते हैं, हमारे बच्चे ने इतना मार्क्स लाना ही चाहिए और इतने आगे पोस्ट पे बढ़ना ही चाहिए। अपने बच्चों की क्षमताओं को पहचान के उसे आराम से बताइए कि थोड़ा फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय के साथ थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा एक साथ ड्रॉप ले लो, लेकिन अपने आप को तोड़ो मत। जब भी मुश्किल समय आता है तो परिंदे, जब बारिश होती है तो परिंदे भी अंदर छुप जाते हैं अपने पंखों को कटने से बचाने के लिए। तेज बारिश में जब परिंदे, तितलियां भी अंदर छुप जाती है, तो जब भी ज़िंदगी में कड़ा समय आता है तो आप थोड़ा सा कट ऑफ हो जाओ, अपने आप को वापस से तैयार करो अगली मेहनत के लिए। फैमिली में बॉन्डिंग कम हो चुकी है तो माँ बाप के रिलेशन भी थोड़े ख़राब हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, बच्चों को रिलेशनशिप का स्ट्रेस नहीं होता है? उन्हें भी दुनिया के जो खराब बिगड़ते हुए रिलेशनशिप है उसकी बहुत जानकारी है। बच्चों को अपने फ्रेंड से रिलेशनशिप टूट रहे हैं, बंद हो रहे हैं, उसके साथ साथ उन्हें ये भी एहसास है आने वाली लाइफ में मेरे पार्टनर के साथ भी मेरी रिलेशनशिप उतनी मजबूत नहीं रहेगी। और यही चीज़ें कि बढ़ता हुआ डिवोर्स रेट भी उन्हें दिखता है और उन्हें पता है उनको इमोशनल फुलफिलमेंट शायद उतने लेवल का कभी नहीं मिलेगा जितना उनके दादा दादी को मिला है। ये चीज़ें उन्हें काफ़ी संघर्ष देती है।
दुनिया में होने वाली हर चीज़ों को उन्हें पता है, जानकारी भी बहुत ज़्यादा है। ये जानकारी भी उन्हें बहुत तकलीफ दे ही रही है, जिसका वो आपसे जिक्र नहीं कर पाते हैं। सोशल मीडिया तो इतना डेंजरस है, जिससे हम सभी वाकिफ है। मैं भी अगर फेसबुक का पोस्ट देखती हूँ और मैं देखती हूँ मेरे फ्रेंड्स इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, इतने सुंदर फोटो डाल रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, और मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ। यस, ये कंपैरिजन लोगों से हमें तकलीफ दे देती है। जब बड़े भी इन सब चीज़ों को फेस करने में मुश्किल में पड़ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो बच्चों की बात ही क्या, वो तो कमज़ोर दिमाग है। तो भौतिक सुविधाएं जो बाहर की दुनिया में उन्हें दिखती है, उसका उन्हें अंदाज़ा नहीं लग पाता है। और चूँकि फलाने के माँ बाप ने इतने पैसे उसे दिए, इतनी बड़ी गाड़ी दी, इतना अच्छा मोबाइल दिया है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, इसका उन्हें कॉम्पिटिशन रहती है और स्ट्रेस रहता है। तो जब भी मैं कॉम्पिटिशन वर्ड का इस्तेमाल करती हूँ, तो बच्चों को तो रोज़ ही हमें बोलना पड़ता है, खुद से कॉम्पीट करो, खुद से कंपैरिजन करो। और जिस दिन आप लोगों से ही कंपैरिजन करते रहोगे, तो आप रेस में हार ही जाओगे, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, अजूबा होता है, हर इंसान का मन तन धन सब अलग रहता है। लेकिन ये चीज़ें इतनी बड़ी होती है कि इसे समझाने में हमें बहुत समय देना पड़ता है, बच्चों को बैठ के बताना पड़ता है कि रोज़ आप अपने आप से कंपैरिजन करो, और जिस दिन आपने ये चीज़ सीख ली, तो आपका स्ट्रेस डेफिनेटली कम हो जाएगा। स्ट्रेस के लिए जवाबदार है नींद की कमी। नींद पे तो बहुत सारे लोगों ने समझ के लिया है कि इस जनरेशन को नींद बिल्कुल कम हो गई है, सोशल मीडिया जवाबदार है, हम लोग जवाबदार है। नींद अच्छी रहेगी तो बच्चों का स्ट्रेस डेफिनेटली कम हो जाएगा। खाने पीने का तो हम बोलते ही हैं, फूड प्रॉपर रहा ही नहीं है, हम होल ग्रेन को भूल चुके हैं। होल ग्रेन से मेरा मतलब होता है गेहूं, दाल, चावल, जिसका पॉलिश नहीं की गई है, जिसका छिलका नहीं निकाला गया है। हमको तो बासमती राइस पसंद है, हम ब्राउन राइस अगर खाने लग गए, हम गेहूं का ज़्यादा दलिया वाली चीज़ें पसंद करने लगे, फ्रेश सब्जियां खाने लगे, बाजार का खाना कम करने लगे, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें भी स्ट्रेस को दूर कर देगी। बच्चों को एक्सरसाइज की आदत डलवाना, स्पोर्ट्स में डलवाएंगे, तो डेफिनेटली ये एक बड़ा फैक्टर है जो स्ट्रेस को कम कर देता है। तो बच्चों के स्ट्रेस को पहचानिए, उस पर काम कीजिए, और आने वाले समय में एक अच्छी जनरेशन हम ताकि समाज को दे